सारे प्रेस वाले वीरां दा कौमी इंसाफ मोर्चे दे पंडाल ते पुजन लई बहुत बहुत धन्नवाद करदे आं। और अज जिहड़ी दुखदाई घटना कौमी इंसाफ मोर्चे दे स्थान ते वरती है, जिहदे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान धामी साहब होरां दीआं गड्डियां दे उत्ते उन्हां दे शीशे भन्ने गए, उहदे लई सिख पंथ तों सिख कौम तों ते सारे पंजाबियां तों खिमां दे जाचकां, इह घटना बेहद दुखदाई सी। पर इहदा पिछोकड़ जानना बेहद जरूरी है। जेड़ा कल गल्लां होईयां अते अज घटना वापरी, वो सारा वरतांत सारयां दे सामने दसना लाजमी है। कल जिस वेले ये गल साडे कोले आई कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब इस मोर्चे दे विच आउणे चाहुंदे आ, तां उह बिल्कुल स्पष्ट करदे आ कि उन्हां ने किसी भी मोर्चे के प्रबंधक नाल गल नहीं कीती, ना बापू गुरचरण सिंह होरां नाल गल कीती, ते उन्हां तों अगे जिन्ने भी इत्थे मोर्चे के संचालक है किसी दे नाल भी उन्हां दी गल नहीं होई। सानू इह संदेश सब तो पहला मैनू टैलीफोन आया गुरसेवक सिंह धूड़कोट तो, एक नौजवान है, उन्हें कहा कि कल नूं धामी साहब इत्थे आ रहे हैं। उस तो बाद मैं कल इत्थों चला गया सी, तां मैं इत्थे बापू जी होरां नाल सारयां नाल गल कीती ते उन्हां नूं दस्या कि वह इत्थे आ रहे हैं। तां शाम नूं इदों 10-15 मिनट पहलां जां 10-15 मिनट बाद इत्थे मोर्चे दे जिन्ने भी आगू सीगे जिहड़े पहले दिन तो इत्थे बैठे आ मोर्चे दे विच, उन्हां सारयां ने एक मीटिंग कीती और मीटिंग तो बाद ये फैसला कीता कि उन्हां नूं ये बेनती कर दिओ कि मोर्चे दीआं चार मंगां दे विचों एक मंग सीधे तौर पर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल जुड़ी हुई है, 328 लापता सरूपां का जिहड़ा मामला है, तो उन्होंने बेनती करो कि ये वाला मसला काफ़ी लंबे समय तो अकाल तख्त साहब के जथेदार जिहड़े मनोनीत किए आ बादल परिवार ने एक्टिंग जथेदार, उन्हां वल्लों भी हुक्म किया गया सी कि ये जिहड़ा मामला है ये क्लीयर किया जाए 328 लापता सरूपां दा, ते उहदे ते जिहड़ी जांच हुई है वह जनतक की जाए। तो प्रबंधकां ने यह सुनेहा उन्हां तक पहुँचाया, उस बंदे दे जरिए उन्हूं मैं कॉल करके कहा कि पहलां तां वह 328 सरूपां दा मामला जिहड़ा हैगा उन्हूं क्लीयर करन, अते उस तो बाद जिहड़ियां दूसरियां तीन मंगां उहदे उत्ते भी जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल स्पष्ट हो के आउण कि वह बादल परिवार जिन्हें बंदी सिंघां दी रिहाई का विरोध किया जदों के 1998 वाजपाई सरकार नूं जिस वेले उन्हां नूं समर्थन की लोड़ सी आपदी सरकार बचाउण वास्ते उस वेले बंदी सिंह रिहा करवाए जा सकते सी, उस तो बाद भाई गुरबख्श सिंह ने मरण वरत रखिया तां उस समय जिहड़ा सीगा इन्हां ने मरण वरत तड़वाया, वो मोर्चा लवाउण वालियां नूं खज्जल खुआर किया गया, उन्हां ते मुकदमे दर्ज किए गए। बापू सूरत सिंह जी बैठे तां उस वेले भी बादल परिवार की सरकार सी उन्हां ने विरोध किया, सो बंदी सिखां दी रिहाई दा विरोध उन्होंने किया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियां बेअदबियां करन वालियां दी पुश्त पनाही की, जेड़े दोषी सी उन्हां नूं बचाया,
खुद जस्टिस जोरा सिंह का कमिशन बना के उसकी रिपोर्ट तक नहीं रिसीव की। उस तो बाद बेअदबियों के खिलाफ कोटकपुरा विखे सतनाम वाहिगुरू का जाप कर दिया रोस प्रगटा रही संगतों ते अद्धी रात नूं गंदे पानी दियां बछाड़ा मारियां, बैबल दे विच भाणा वरता के दो सिखां दा कतल किया, उहदे बारे भी उन्हां नूं स्पष्ट करन दी बेनती कीती सी। जिहड़ी गल उन्हां ने अपनी प्रैस कानफ्रेंस दे विच कही है कि मैनूं प्रबंधकां वल्लों सद्या गया और मैनूं कह के गए सी, वो सरासर झूठ है। जथेदार जगतार सिंह हवारा हुरां दा संदेश सी कि सारी कौम नूं कट्ठे करना है, उहदे लई असी उन्हां दे घर हुशियारपुर गए सी दो गल्लां करके। उस समय पाल सिंह फ्रांस भी नाल सी, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों कढ़े गए पंज प्यारे सतनाम सिंह जी खंडेहुरी भी नाल सन, बाबा सेवा सिंह जी हुशियारपुर वाले उन्हां दे सपुत्र भी नाल सन। ये दसंबर महीने की 15 तरीक दे अंदर बार की गल है। उस वेले असी उन्हां नूं उही बेनती करन गए सी कि 328 सरूपां दे मामले उत्ते तुसी जिहड़ा हैगा क्लीयर करके आपां पंथ नूं नेड़े लियाईए, जो कि जथेदार जगतार सिंह हवारा दी तिहाड़ जेल दे विच बैठिया दी दिल दी तमन्ना। दूजा असी उन्हां नूं इह बेनती कीती सी कि गुरद्वारा साहब दा प्रबंध तुहाडे कोल है, सिख कौम मोर्चा ला रही है, तां तुसी अंब साहब गुरद्वारे चों सानूं सहयोग मुहैया करवायो, इहदे वास्ते असी गए सी। जदों के इत्थे आउण बारे गुरसेवक सिंह नूं दसण तों बाद आ मेरे नाल गुरदीप सिंह जी बठिंडा बैठे है, इन्हां नूं फोन कीता गया कि कोई परमजीत सिंह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर ने जिहड़े कि गुरसेवक सिंह दे नाल गल कर रहे हैं कि कल नूं भाई साहब होरां ने उत्थे जाणा है। मैं उन्हां नूं जानदा नहीं सी, मैं इन्हां नूं बेनती की कि मोर्चे ते मीटिंग हो चुकी आ, उन्हां नूं बेनती करो कि वह कल ना आउण, वो एक जिम्मेवार अहुदे ते बैठे है ते सारा गुरु पंथ जानदा है कि उन्हां नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान बनाउण दे पिछे कौन है। सो जे गल नूं नेड़े लाउणा है, समुचे पंथ ने एक दूजे नाल गलवक्कड़ियां पाउणियां, क्योंकि पंथ तां उह है ना जिहड़ा इत्थे इंसाफ मंग रिहा सड़कां ते। धामी साहब हुरी जिम्मेवार अहुदियां ते बैठे है, सो इन्हां नूं मैं दस्या कि उत्थे फैसला होया कि वह आपदे हिस्से का कार्ज करके फिर आउण। इन्हां ने परमजीत सिंह होरां नूं टैलीफोन, मैं हुण इन्हां नूं बेनती करदा कि दस देण इन्हां ने की कीता सी। इह गल दुबारा भी अज क्लीयर होई है जदों परमजीत सिंह ते धामी साहब कट्ठे सीगे फोन ते गल होई है। दसो जी। धन्नवाद जी सारी प्रैस दा। सरदार बलविंदर सिंह ने जो कल की घटना बारे दस्या, वो घटना दुखदाई है। जदों तक इस घटना के वापरन के कारण कल शाम नहीं, कल मैं गल कल की कर रहा, कल शाम मैनू सरदार बलविंदर सिंह का टैलीफोन गया। मैं कल अपने घर बठिंडा विखे सी, उन्हें दस्या भी कल धामी साहब आ रहे हैं, तुहाड़ी तां नहीं कोई गल होई। मैं मेरी कोई गल उन्हां नाल जां किसे मैंबर नाल नहीं होई। उन्हें कहा भी उन्हां नूं कुछ गल्लां स्पष्ट करनियां चाहीदियां। मैं गल कीती सरदार परमजीत सिंह बरनाला नाल, मैं उन्हां नूं कहा भी ये जिहड़ा तुहाडा यतन है, कुछ गल्लां जिन्ना चिर स्पष्ट नहीं हुंदियां उन्ना चिर उत्थे औखा हो जाणा। पहली गल कि जिहड़े सरूप गुम होए आ उन्हां दे बारे च तुहानूं बहुत कुछ स्पष्ट करन दी लोड़ है, कौन जिम्मेवार है, जिन्ना चिर उहदा मसला नहीं हल हुंदा। क्योंकि जिन्हां नूं तुसीं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जथेदार मानदी है, असीं भावें सारियां धिरां जथेदार जगतार सिंह हवारा नूं मानदे हां, उन्हां ने हुक्म कीता सीगा वी इहदे उत्ते कारवाई कीती जावे, उन्हां ते मुकदमे दर्ज कीते जाण, उह सारियां गल्लां नूं लागू कीता जावे।
उन्हां सरूपां दे बारे च तुहानूं पहलकदमी करके उहदे फैसले लैने चाहीदे आ। ते उस तों पहलां तुसीं सारे प्रबंधकां नाल आपदी कमेटी नाल उहनां फैसलिआं दे उत्ते नज़रसानी करो ते ऐलान करो ते उहदा पक्ष सारी कौम दे विच स्पष्ट कीता जावे, क्योंकि तीन मंगां जिहड़ियां उह सरकार नाल पंजाब सरकार ते दिल्ली सरकार केंद्र दी सरकार नाल संबंधित हन। जिहड़ी मंग चौथी मंग है कि उहनां दोषियां विरुद्ध कार्रवाई होवे, वो श्रोमणी कमेटी नाल भी संबंधित है कि वो कार्रवाई करे, क्योंकि असी वार वार पिछले लंबे समय तो पुलिस अधिकारियों कमिश्नर पुलिस अमृतसर भी मिले, उन्हें यह गल कही कि जिन्ना चिर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वो गुम हुए सरूपों बारे कोई कार्रवाई नहीं करती, असी नहीं कर सकते कोई कार्रवाई। मैं उन्होंने यह गल कही कि उन्ना चिर वो कल का आना मुलतवी कर देन, उत्थे किसी तरह की कोई घटना वापरती है विरोध होंगी है वो अपने हक च नहीं। तुसीं सारियां जथेबंदियां नाल जिन्हां जथेबंदियां ने पिछले समय तो इन्हां गुम होए सरूपां बारे कार्रवाई कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उन्हां सत्कार सभावां भी है, उन्हां श्रोमणी अकाली दल मान होर जथेबंदियां जिहड़ियां उस संघर्ष दे विच लगातार हैं, उन्हां नाल सांझे रूप च बैठ के जिहड़े अपने पंथक मामले है उन्हां दा हल कढ़िया जावे। उस तों बाद तुसीं संघर्ष की हिमायत करो ते कल दा आउणा उन्हां नूं कहो भी मुलतवी कर दिओ। परमजीत सिंह बरनाला ने कहा है कि मैं उन्होंने ये बेनती करदा कि वह कल ना आन, तो मैं उन्होंने कल आना रोक दिना। ये उन्होंने प्रबंधकों वालों मैं सारी इतों जो मैं बठिंडे मैं घर से जो स्नेहा गया, मैं इन्हों का स्नेहा सारे अपने वालों तो सारे वालों सरदार धामी जी ने पहुँचा दिता सरदार परमजीत सिंह राही। अज की मैं गल करा, अज भी जो मेरी परमजीत सिंह बरनाला नाल गल हुई 5 बजे शाम को, मैं भी परमजीत सिंह जी तुहानू कहा गया सी भी तुसीं थोड़ा जिहा रुक के चलो ना चलो, ये आपां बैठ के जिहड़ियां पंथ दीआं समस्यावां है जिहड़ियां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं जिम्मेवारियां जिहड़ियां कि अकाल तख्त साहब ने वो सारियां गल्लां हदायतां दित्तियां जिन्हां नूं तुसीं जथेदार मानदे हो, असीं जिहड़ा सरबत खालसा वो जथेदार जगतार सिंह हवारा नूं जथेदार मानदा है, उन्हां गल्लां दा आपां बैठ के हल करिए। तुसीं हल करो, जिहड़े दोषी आ उन्हां ते मुकदमे दर्ज करो, जिन्हां ने गुम कीते आ उन्हां ते कार्रवाई करो, उन्हां चिर आउण दी लोड़ नहीं। तुसीं कल दा जिहड़ा प्रोग्राम तुहाडे वल्लों पता लग्गिया वी तुसीं जा रहे हो, ये तुसीं मुलतवी करके प्रबंधकां नाल ते जिहड़ियां जथेबंदियां पिछले समय तो गुम होए सरूपां बारे कार्रवाई करन दी मंग लै के संघर्ष कर रहियां हन उन्हां दे नुमाइंदियां नाल बैठ के गल करो। असीं चाहुंदे हां कि समस्यावां जां जिहड़ियां साडियां अंदरूनी समस्यावां हल होण, गलबात चलती रहे। उन्होंने मैनू कहा कि मैं हुणे प्रधान जी नूं गल करदा, अज असी इस ही एक समस्या के संबंध च भावें इस वर्तमान समस्या नहीं सी वो जथेदार सूरज सिंह के संबंध के विच मैं ते सरदार बलविंदर सिंह लुधियाणे सी, उत्थे सानू जदों पता लग्गिया कि असी ये घटना वापरी असी सीधे वो सारी कार्रवाई नूं विचे छड्ड के इधर नूं तुहाडे कोले अपना पक्ष रखण लई आए हैं, उन्हां नूं इस तों रोकिया गया सी सद्या नहीं गया सी। अज जो मैं फिर बाद च गल हुई वो दस दी आ जिहड़ी शामी होई उही मैं दस रहा इस तो बाद मैं सरदार परमजीत सिंह बरनाला जिन्हां नाल मेरी कल गल हुई सी उन्हां नाल गल की कि सरदार परमजीत सिंह जी जदों तुहानूं रोकिया गया सी ते तुसीं जाना नहीं चाहीदा सी, आपां नूं बैठ के पासे बैठ के जिहड़ियां अंदरूनी समस्यावां है उन्हां बारे गल करनी चाहीदी सी। परमजीत सिंह बरनाला ने कहा कि मैं सरदार धामी जी नूं यह बेनती कर दित्ती सी कि आपां नूं उत्थे नहीं जाना चाहीदा, पर तुसीं सरदार धामी नाल गल करो, उहदे नाल सी उह ना उस समय उहदे नाल सी, उन्होंने धामी जी ने मेरे नाल भी गल की, मैं भी उन्होंने ये गल कही भी ये घटना भावें दुखदाई है असी ते कोई खुश नहीं, जिहड़ी कोई भी घटना आपस में साडे वापरे उन्हां गल्लां दा गलबात राहीं हल होना चाहिए, क्योंकि साडा संघर्ष बहुत वड्डियां धिरां नाल बहुत वड्डियां शक्तियां नाल भावें वह पंजाब सरकार जां केंद्रीय सरकार है। तो परमजीत धामी जी ने भी कहा भी अपना स्पष्टीकरण दिता, उन्हें ये नहीं कहा भी मैं उत्थे क्यों गया किवें गया, उन्हें अपनी गल की भी मैं अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं कोई यही गल नहीं की जिदे च कोई इतराज़ योग गल हो, मैं नहीं पता उन्हें की किया की नहीं, क्योंकि असी लुधियाने तो सीधे आ रहे हैं। मैं ये गल तुहाडे राही सारे पंजाब दे लोगों सारे लोगों नूं सिख भाईचारे नूं भी, क्योंकि ये घटना अफसोसनाक है नहीं वरतनी चाहीदी सी, इहदे लई तुहाडे मीडिया भी धन्नवादी हाँ कि उन्हां लोकां च सारे पंजाब दे लोकां च ते संसार भर दे सिखां च एक मिनट दो गल्लां होर बहुत महत्वपूर्ण ने। एक तां बापू जी ने इत्थे आउण ते
उन्हां प्रति संगत का प्यार ते जापता बनाई रखने लई की कहा वो इंपोर्टेंट है। दूसरा पाल सिंह फरांस जी हुरां ने स्टेज सैकटरी हुंदिया होया क्योंकि ये सारिया चीज़ां ऑन रिकॉर्ड ने रिकॉर्डड ने उत्थे लाइव चल रहा सी प्रोग्राम ये दोवें गल्लां दो गल्लां बेहद महत्वपूर्ण है वो दोनों ये बुलारे जिहड़े आ दसणगे। मैं अपनी गल समाप्त करा सानू मैं ते बलविंदर सिंह अज इकट्ठे ही जिवें घटना वापरी लुधियाने च सानू ये सी वी परमजीत सिंह ने उन्हों रोक दिता गया तो इन्हां नूं वी मैं कहा भी उन्होंने रोक दिता गया। ये गलबात जदों कोई वो फैसला लेंगे अगे गल चलूगी सारियां संबंध धिरां नाल उन्हां सरूपां बारे कोई गल होएगी तो दूसरे मुद्दों बारे भी होएगी। उस तो बाद जे सारे धिरां कट्ठियां हो के कोई राह कढ दिया तो मिल बैठ के कढ़िया जा सकता है पर कल नूं सानू ये दस्या गया कि उन्हों रोक दिता गया। जदों मैं परमजीत सिंह नूं ये गल कही तो उन्होंने भी कहा मैं तो सुनेहा लाता सी ये सरदार प्रधान जी नाल गल कर लो असी फिर ये तुहाडे कोल सारे मीडिया राही असी ये गल स्पष्ट करनी चाहते हैं कि साढ़े कुछ मुद्दों के उत्ते जिहड़े लंबे समय तो सरबत खालसा होया और जहदार साहब नूं जहदार अकाल तख्त साहब थापिया गया उस समय दियां भी कुछ जिहड़ियां साढ़े उत्ते केस बनाए गए साडे परिवारां दे उत्ते केस बनाए गए सैकड़े बंदियां नूं गिरफ्तार किया गया पर वो व्यक्तिगत गल्लां नूं भी छड्ड के भावें वह पंथक गल्लां सी साडियां व्यक्तिगत नहीं सी असी मुद्दों का हल चाहते हैं कौम दे विच लड़ाई नहीं चाहते पर इस तरह की काहली करके आ के जां इत्थे कोई स्पष्ट संदेश ना देना जां इह कहना कि मैनूं सद्या गया सी क्योंकि उन्हूं रोकिया गया सी ते मैनूं सरदार परमजीत सिंह जिहड़े एग्जैक्टिव मैंबर है उन्होंने गल कहती सी ये गल कहती सी मैं सुनेहा देता है देखो सवाल यह है पहली गल तो यह गल स्पष्ट कर दी गई है कि उन्होंने इत्थे आउण तो बेनती सहित रोकया गया सी कि तुसी आपदे हिस्से का कार्ज करके आओ वो इन्होंने पूरी तरह स्पष्ट कर दिता है। दूसरी गल यह है कि इत्थे एजेंसियां ने कीता है जां किने कीता है ये देखना एजेंसियां का काम है सरकारां का काम है ये देखना असी प्रबंधक जिहड़े हैगे आ असी तां उत्थे ठंडा छिड़किया बापू जी ने भी ते बाकी सारिया ने भी जिस वेले उन्हां ते अटैक होया उस वेले सुन च आया और वीडियो तुसी देख सकते हैं कि धामी साहब खुद अग्रैसिव होके थले उतर के उन्हां गए है जदों के जिस वेले उन्हां दे उत्ते कुछ बंदिया ने हमला किया तो इत्थे उन्हां नूं पासे करन वाले बंदे जिहड़े सी वह भी मोर्चे दे नाल ही संबंधित सी। दूसरा यह है कि हाँ जी संगत दा रोस भी सी हाँ संगत दा रोस जिहड़ा वह तो किसी तो लुकया होया नहीं क्योंकि ये गल तुहानूं ना पाल सिंह फरांस होरी दसणगे इन्होंने दो गल्लां बड़ियां स्पष्ट कहियां सी मैं बेनती कर